तो आज अपने इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन आज अपन पढ़ेंगे। तो ये पढ़ने से पहले अपन को पता होना चाहिए, कुछ चीजें नॉलेज पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस आखिर होती क्या है और इस प्रोसेस का क्या रीजन है और इसकी डेफिनेशन क्या है और पूरे स्टेप्स क्या क्या है इस प्रोसेस की। ओके, तो ये चीज सभी आज अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। तो बात कर लेते हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में कि ये कहां होती है। ये प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी सबसे पहले तो साइटोप्लाज्म। ये प्रोसेस सबसे पहले आपको कहां देखने को मिलेगी? साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगी। इसके बाद में ये कहां देखने को मिलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद कहां देखने को मिलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। सबसे पहले ये प्रोसेस आपको साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगी, फिर आपको माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलेगी, क्योंकि इस प्रोसेस का कुछ भाग तो साइटोप्लाज्म में पूरा होता है, कुछ भाग कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पूरा होता है, जो अपन वीडियो के अंदर आगे देख लेंगे। ओके, फिर आते हैं कि इसकी रीजन क्या है, कि ये क्यों होती है, क्या कारण है इसका। ये होती है इसलिए क्योंकि आपको क्या मिल सके? एनर्जी। अपन को क्या मिल सके? एनर्जी मिल सके। इसलिए क्या होती है? ये प्रोसेस होती है एनर्जी के लिए। इसका काम क्या है? अपन को एनर्जी देने का। तो ये प्रोसेस कहां होती है? साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। रीजन आपको पता चल गया, दो क्वेश्चन तो क्लियर हो गए। एक तो क्या, कहां होती है? साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में। किस लिए होती है? रीजन क्या हो गया? एनर्जी के लिए। डेफिनेशन की बात करें तो क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इन बीटा कार्बन, मतलब फैटी ऑक्सीकरण होगा फैटी एसिड का, वो कहां होगा? बीटा कार्बन में होगा। ये क्या होगी? इसकी डेफिनेशन हो गई कि ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इन बीटा कार्बन। दैट्स क्लियर। अब अपन स्टेप वाइज सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होती है, स्टेप्स देख लेते हैं इसके। तो चलिए अपन बात कर रहे हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड की। तो अपन को क्या करना है? फैटी एसिड अपना मेन याद रखना है। ये प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले आपको सबसे पहले एक माइंड में सेट कर लेना है फैटी एसिड कहां से स्टार्ट करना है? अपन को फैटी एसिड से स्टार्ट कर देना है। ओके, अब क्या होगा, ये जो फैटी एसिड है ना, ये फैटी एसिड क्या करेगी? ये अपनी फैटी एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? एक एंजाइम होगा। फैटी एसिड को क्या करना पड़ेगा? अपन को सबसे पहले एक्टिवेशन करना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा। इसको एक्टिव कौन सा एंजाइम? फैटी एसिड के साथ थायोकाइनेज क्या करेगा? जो थायोकाइनेज जो एंजाइम होगा वो फैटी एसिड के साथ में मिलेगा और इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? इसको ये एसाइल को में कन्वर्ट कर देगा। एसाइल को ए के अंदर क्या कर देगा? इसको कन्वर्ट कर देगा। कौन कर देगा? फैटी एसिड किसमें कन्वर्ट हो गया? एसाइल को ए के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये इतनी जितनी भी प्रोसेस है, ये सारी की सारी प्रोसेस आपके कहां होगी? साइटोप्लाज्म। क्योंकि मैंने बोला था शुरू के अंदर दो जगह होगी, सबसे पहले कहां? साइटोप्लाज्म, फिर माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहां से आगे की जो प्रोसेस होगी वो सारी की सारी प्रोसेस आपको कहां देखने को मिलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, अब क्या होता है, जो एसाइल को एंजाइम होता है, ये एसाइल को एंजाइम क्या होता है? डायरेक्ट ही क्या होता है? जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके पास नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा, अपन ने पढ़ा है या पढ़ा है अपने कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की क्या होती है? दो झिल्ली होती है। कौन कौन सी झिल्ली होती है? एक तो इनर झिल्ली होती है, एक आउटर झिल्ली होती है। लेकिन जो अब ये जो इनर वाली झिल्ली होगी ना, इस ये इनर वाली झिल्ली क्या होती है? हर किसी एंजाइम के लिए परमिएबल नहीं होती है। तो ये क्या करती है? जो एसाइल को एंजाइम है इसके लिए क्या है? इनपरमिएबल है, ये इसको अंदर नहीं आने देगी। अब इसको तो क्या करना है भाई, प्रोसेस अपन को करनी है तो इसको तो अंदर भेजना पड़ेगा। तो क्या करता है ये एसाइल को एंजाइम? वही बात हो गई कि अपन यदि कोई वीआईपी आदमी की शादी में जा रहे हैं, मान लीजिए अपन कोई वीआईपी आदमी है उसकी शादी में जा रहे हैं, तो उसके शादी में जाने के लिए इनविटेशन तो अपने पास है नहीं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ने तो उसको बुलाया है नहीं, इसको तो खुद को ही जाना है। माइटोकॉन्ड्रिया ने तो बुलाया नहीं कि तू मेरे पास आ जाए, मैं कर देता हूं। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, वीआईपी आदमी के जा रहे हैं तो अपन को क्या ढूंढना पड़ेगा? वीआईपी आदमी ढूंढना पड़ेगा। तो यहां पे वीआईपी आदमी का काम कौन करेगा? कार्निटिन। कौन काम करेगा? कार्निटिन। अब क्या होगा, ये जो कार्निटिन होगा
ये कार्निटिन क्या है? वीआईपी आदमी का जानकार है, जिसकी अपन शादी में जा रहे हैं उसको ये जानता है। तो ये क्या करेगा, ये कार्निटिन एसाइल को इंजन क्या करेगा, इस कार्निटिन को साथ में ले लेगा। क्या हुआ यहां पे, एसाइल को इंजन ने क्या ले लिया, कार्निटिन को क्या ले लिया, साथ में। अब क्या हो गया, ये दोनों जानकार हो गए। ये क्या थी अपनी माइटोकॉन्ड्रिया की क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया की, ये इस एसाइल को एंजाइम को तो जाने देगा नहीं, तो इसने कार्निटिन को साथ में लिया, एसाइल को एंजाइम, तो ये दोनों के दोनों किसमें कन्वर्ट हो गए, ये दोनों कन्वर्ट हो गए एसाइल कार्निटिन, किसमें कन्वर्ट हो गया, एसाइल कार्निटिन। अब ये एसाइल कार्निटिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आराम से जा सकता है, तो ये एसाइल कार्निटिन क्या आ गया, अंदर आ गया। जैसे ही ये अंदर आएगा तो इसका काम क्या था, अब ये भी तो वीआईपी आदमी है ना, तो ये जरूरी नहीं है कि एसआईएल कार्निटिन हमेशा इसके साथ में घूमेगा। तो इसने क्या किया, मैंने तेरे को अंदर पहुंचा दिया, अपना काम तो क्या हो गया, पूरा हो गया। तो ये क्या होगा, अब ये जो एसआईएल कार्निटिन था, अब इससे क्या होगा, ये जो एसआईएल होगा को ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, एंड ये जो कार्निन है ये भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये जो कार्निटिन है ये भी क्या हो गया, अलग हो गया। ये दोनों के दोनों क्या हो गए, अलग। या तो ये वापस वहीं चला जाएगा जहां से आया था, या इसका अपन रोल अपन को पढ़ना नहीं, अपने को कहीं जाऊंगा। अपन को क्या चाहिए था, एसाइल को चाहिए था, जो अपना एसाइल को कार्निटिन के साथ में मिला और माइटोकॉन्ड्रिया की इनर झिल्ली के अंदर आ गया। अब आगे की जो प्रोसेस है, ये सारी की सारी प्रोसेस आपको कहां देखने को मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो सिर्फ दो ही स्टेप है जो आपको कहां देखने को मिलेगी, साइटोप्लाज्म में, बाकी की सारी प्रोसेस आपको माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलेगी। तो एसिटाइल कार्निटिन किसमें आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ गया, एसाइल कोएंजाइम एंड कार्निटिन इसमें, ये दोनों अलग अलग हो गए। अब क्या होगा, अब ये जो एसाइल को है ना, अब याद रखिएगा यहां से आगे की ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस आपको यहां पे चार चीजें देखने को मिलेगी इस प्रोसेस में। एक तो आपको यहां देखने को मिलेगा ऑक्सीडेशन, एक तो क्या देखने को मिलेगा आपको यहां पे, ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा। दूसरी चीज आपको हाइड्रेशन देखने को मिलेगा, एक बार फिर से आपको क्या देखने को मिलेगा यहां पे, ऑक्सीडेशन, और एक लास्ट चीज आपको देखने को मिलेगी यहां पे क्लीवेज। क्या क्या चीज देखने को मिलेगी आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्या देखने को मिलेगा, ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा, हाइड्रेशन देखने को मिलेगा, ऑक्सीडेशन फिर से देखने को मिलेगा, एंड क्लीवेज की प्रोसेस देखने को मिलेगी। अब क्या होगा, अब आगे ये जो एसाइल को है ना, ये एसाइल को क्या करेगा, ये एसाइल को आगे कन्वर्ट होगा कौन से एंजाइम के द्वारा, डी हाइड्रोजिनेज एक एंजाइम आएगा, डी हाइड्रो डीहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम होगा उसके साथ में ये एसाइल को मिलेगा, और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा ट्रांस इनोल एसाइल को एंजाइम, किसमें कन्वर्ट हो गया, ट्रांस इनोल एसाइल को ए में कन्वर्ट हो जाएगा डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम द्वारा। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट जो प्रोसेस होगी उस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, ये जो ट्रांस इनोल एसाइल को एंजाइम है ये क्या करेगा, हाइड्रेटेज जो एंजाइम होगा, क्या हाइड्रेटेज जो एंजाइम है, इस एंजाइम की सहायता से ये भी क्या करेगा, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को एक के अंदर ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ, एसाइल को था ये डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम द्वारा ट्रांस इनोल एसाइल को ए में कन्वर्ट हो गया, फिर ये जो डीहाइड्रेटेज एंजाइम द्वारा जो ट्रांस इनोल एसिटाइल को ए था ये किसमें हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। यहां तक ये चीज आपको समझ में आ गई। अब क्या होगा, अब ये जो बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को एंजाइम है ना ये भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कौन से एंजाइम के द्वारा, फिर से डीहाइड्रोजिनेज, फिर से डीहाइड्रोजिनेज फिर से डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की सहायता से ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटो एसाइल को एंजाइम, को ए में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डीहाइड्रेशन की हेल्प द्वारा बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए किसमें कन्वर्ट हो गया, कीटो एसाइल को ए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो कीटो एसाइल था ना
ये कीटो एसाइल क्या करेगा, ये कीटो एसाइल था ये दो भागों में आगे जाके टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा, दो भागों में टूट जाएगा। कौन से एंजाइम के द्वारा ये अपना टूटेगा, थायोलेज, किसके द्वारा, थायोलेज जो एंजाइम होगा, कौन सा, थायोलेज एंजाइम। इस थायोलेज एंजाइम की सहायता से क्या करेगा, ये दो भागों के अंदर टूट जाएगा। कौन कौन से में टूटेगा, एक तो ये टूटेगा एसाइल को ए एंड एसिटाइल को ए, किसमें टूट जाएगा, ये क्या था, कीटो एसाइल को ए था, ये थायोलेज जो एंजाइम है उसके द्वारा किसमें टूट जाएगा, एक तो एसिटाइल को ए, एक एसाइल को ए, एसाइल को ए तो कौन सा हो गया अपना, ये वाला एसाइल को ए हो गया, वापस से इसका, लेकिन ये जो एसिटाइल को ए है ना, ये एसिटाइल को ए क्या करेगा, ये आपने नाम सुना होगा एसिटाइल को ए, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल, ये उसके अंदर चला जाएगा। क्रेब्स साइकिल क्या है, क्रेब्स साइकिल ये नाम आपको सुना सुना सा लग रहा होगा, एसिटाइल कोए सुना तो होगा ना, क्योंकि मैंने क्या है क्रेब्स साइकिल के अंदर आपको ये सारी चीज बता रखी है। क्रेब्स साइकिल की वीडियो है, उसकी लिंक आपको कहां मिलेगी, ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप देख लीजिए आपका नाम सुना हो चाहे नहीं हो, कुछ भी है अपने सिलेबस की चीज, क्या चीज, क्रेब्स साइकिल क्या होता है। तो ये जो एसिटाइल, जो क्योंकि क्रेब्स साइकिल की जो प्रोसेस है ये भी कहां होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और जो बीटा ऑक्सीडेशन है ये जो फैटी एसिड का, इसकी जो सेकेंड स्टेप है ये भी कहां हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्रेब्स साइकिल होता है और ये वाली प्रोसेस भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो रही है। तो ये एसिटाइल को इंजन कहां चला जाएगा, क्रेब्स साइकिल। अब ये जो चार नाम है, कौन कौन से नाम बताए थे, ऑक्सीडेशन, अब क्या है, ये जो ऑक्सीडेशन, यहां आप देखिए ये जो एसिटाइल जो ये कोए है ये डिहाइड्रोजिनेज द्वारा ट्रांस इनोलेज जो इनोल एसाइल को बना रहा है, ये तो क्या है फर्स्ट वाली, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसके द्वारा ट्रांस इनोल इसके अंदर चेंज हो रहा है, ओके। फिर ये जो हाइड्रोटेज है ये बीटा हाइड्रोक्सी के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, हाइड्रोजिनेसिस आपको देखने को मिलेगा इस प्रोसेस के अंदर, ओके। तो इसके द्वारा क्या हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी एसिटाइल कोए में। अब ये जो डिहाइड्रोजिनेसिस की वापिस आ गई, तो ये वाली जो प्रोसेस है ये वापिस यहां आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर जो थायोकाइनेज है, कीटो से जो क्या बन रहा है, थायोलेज एंजाइम द्वारा एसिटाइल कोए एंड एसाइल कोए, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लीवेज, क्योंकि ये क्या हो रहा है, टूट रहे हैं, विदलन हो रहा है, टूट रहे हैं, तो ये वाली प्रोसेस क्या आ गई अपनी, क्लीवेज की प्रोसेस होगी। दैट्स क्लियर, ये हो गया बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड की। अब मैंने आपको बता रखा है नोट्स, यहाँ पे मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, नोट्स वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल है वहां पे मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाता, ये आपको पता है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, उसके ऊपर आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, चैनल अच्छी लगी हो वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।